आसंता जानुरी भव्य राम मंदिर प्रतिष्ठा होता बेले जगतगुरु परमहंस आचार्य हिंदू राष्ट्रपाई जिद धरी तेरे कथा सहित कौन तर डिमांड रही। आचार्य पहले आपको अर्गस न्यूज को स्वागत है। जो अभी जो आप अनशन कर रहे हो क्यों कर रहे हो? देखिए अयोध्या से मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। हमने राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन किया था। 12 दिन तक बिना अन्न जल का हमने जो है तो अयोध्या में अनशन किया जब मुख्यमंत्री जी ने तोड़वाया था। कुंभ में हम 19 दिन तक बिना अन्न जल के रहे। जब शंकराचार्य तोड़वाए थे फिर मैंने चिता लगा ली थी। आज राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। भारत के सभी तीर्थों से अंडा मांस मदिरा हटाने के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति से ऑर्डर कराया था और अब भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये मेरा अमर अनशन 7 नवंबर से चल रहा है। 7 नवंबर 2023 सुबह 4 बजे से अन्न जल का परित्याग करके सप्तसूत्री मांगों को लेकर के मैं अमर अनशन पर हूँ, जिसमें पहला है भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, दूसरा है गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, तीसरा हमारा है जनसंख्या नियंत्रण कानून समान नागरिक संहिता लागू की जाए, चौथा है 2 बच्चे से ज्यादा जिनके हैं उनको 5 साल के लिए मतदान पर प्रतिबंध लगाया जाए, पांचवा है कि भारत को बेरोजगार मुक्त किया जाए, या तो रोजगार या नौकरी हर व्यक्ति को सुनिश्चित की जाए, नहीं तो जब व्यक्ति को रोजगार भी नहीं मिलेगा नौकरी नहीं मिलेगी गरीबी रहेगा तो कुछ न कुछ वो भूखे मरेगा तो अपराध करेगा। और छठवां हमने रखा कि जिन बच्चों का रिजल्ट 60% से ज्यादा आता है उनको 2000 रुपये पर मंथ सरस्वती सम्मान निधि सरकार दे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। और हमने सातवां रखा है कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो जो 60 साल से ऊपर है, 60 साल तक व्यक्ति कुछ न कुछ कर लेता है, 60 साल से ऊपर जो है चाहे महिला हो या पुरुष, उन बुजुर्गों के लिए 10,000 रुपये पर मंथ जब तक वो जिए तो सरकार जो है वरिष्ठ नागरिक सम्मान निधि दे, जिससे उनको बुढ़ापा ठीक से कट जाए। इन सप्तसूत्री मांगों को लेकर के हमारा अमरण अनशन चल रहा है। और मेरा मानना यह है कि अगर मोदी जी हैं तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है, अगर कहीं कदाचित जो है तो चले गए तो फिर जो है अभी से धमकियां मिल रही हैं, जैसे वो वैसे जब पहाड़ों में चले जाएंगे योगी जी मठ में तो हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा, और बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जैसे उदयनिधि स्टालिन से लेकर के और जो है तो डीएमके सांसद राजा से लेकर के कोई सांसद को बताता है कुष्ठ है, कोई एचआईवी बता रहा है, कोई जो है कोविड बता रहा है, कोई कहता है कि उसको समाप्त कर देना चाहिए, इस तरह की जो धमकियां मिल रही हैं तब इसके लिए एक ही विकल्प है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए जो पार्टीशन हुआ है 47। महाराज जी हमारा देश में बहुत धर्म है, हिंदू है मुस्लिम है क्रिश्चियन है और भी कुछ धर्म है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसे बने? 16 अगस्त 1946 को भारत में रह रहे सारे मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। पूछा गया क्यों तो बोले कहे कि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, माने मूर्ति पूजा को हराम मानते हैं मुसलमान, और कहे कि हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं, तो उन्होंने कहा हमें सारे मुसलमानों को अलग देश चाहिए। हिंदुओं ने कहा देश मत बांटो, तो उस समय मुसलमानों ने लाखों निर्दोष हिंदुओं का कत्ल किया था सिर्फ इसलिए कि वो कहे हमें अलग देश चाहिए। डायरेक्ट एक्शन डे लोग देख सकते हैं, सीधी कार्रवाई दिवस। इसके बाद उनको पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया और वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया। तो जब पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बन गया, संयुक्त राष्ट्र को कोई दिक्कत नहीं, पूरी दुनिया को कोई दिक्कत नहीं, तो जो बंटवारे से बचा हुआ है जो हिंदुस्तान जिसका नाम रखा गया वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्यों? इसलिए कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम होती गई और यहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बड़ी उदारता बरता, इनको बहुत सुख सुविधा दिया और तमाम तरह की, हमारे हिंदू एक शादी करते हैं इनके तीन शादी करने की छूट दी गई, हम लोग एक दो बच्चा पैदा करते हैं, ये दर्जन से नहीं ये 40-50 भी पैदा कर ले जाते हैं। लेकिन जब देखा गया कि सारी सुविधा देने के बाद जितनी सरकारी सुविधाएं सबसे ज्यादा मुसलमानों को दी गई, लेकिन देखा यह जा रहा है कि आए दिन ये खाएंगे भारत की और गाएंगे पाकिस्तान की। ये जब भारत में रह करके जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये जब आतंकवादियों को बचाने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान से आया है मुल्ला है तो आतंकवादियों को बचाने के लिए सेना पर पत्थरबाजी करते हैं, कई बार जो है राष्ट्रीय संपत्ति में ये आगजनी करते हैं, आए दिन लव जिहाद की घटनाएं आ रही हैं, तो अंदर अंदर जो इनका एक साजिश चल रही है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। और उधर एक जो ईसाई मिशनरियां हैं वो 5 किलो गेहूं 2-4 दिन देंगी, फिर कहेंगे कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन जाओ। तो इसलिए मेरा मानना है कि दुनिया में 204 देश हैं, 157 जो है तो ईसाइयों ने बना लिया, क्रिश्चियन कंट्री हैं और 57 इस्लामिक कंट्रियां हैं, तो एक देश हिंदुओं का होना चाहिए। आज़ाद भारत की बात मैं बात करूँ तो जिस तरह से
कश्मीर हिंदू नरसंहार 1990। निर्दोष हिंदुओं को केवल इसलिए काटा गया, निर्दोष हिंदुओं की केवल इसलिए बहन बेटियों की जेत लूटी गई कि वो हिंदू थी, सनातन धर्म को मानने वाली, और वो भी बकायदे जो है तो मुल्ला मौलवी जो है मस्जिदों से अलाउंस किए एक दिन पहले कि हिंदू जितने यहाँ हैं वो अपनी बहन जवान बहन बेटियों को मुसलमानों के लिए छोड़ जाए और यहाँ से भाग जाए, और या तो मुसलमान बजाय नहीं मारने को तैयार हो जाए। हुई को बहन बेटियों का कत्ल किया गया, उनके स्तन काटे गए, बाप के सामने बेटी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, बेटा के सामने माँ का बलात्कार हुआ कश्मीर में, और वेस्ट बंगाल में निर्भया जैसे कांड आज भी रोज हो रहा है, गोवा में आज भी बीप पर छूट दी गई है, जितना हो सके गौ हत्या करो, गोमांस खाओ, जिस तरह से जो है तो केरल में सड़कों पर जो है गौ हत्या हो रही है। तो ये भारतीय संस्कृति को समाप्त करने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अब देखिए यहाँ संविधान है, अदालतें हैं, मानवता है, ये तभी तक है जब तक हिंदू है, और हिंदू तब महाराज जी आपकी विचार के हिसाब तो देश बनेगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश बनेगा, तो आपके विचार अगर आप चाहते हो तो कि देश के लिए थोपने के। देखिए हम आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय एक संविधान सभा बनाई गई जिसमें 296 लोग थे, जिसके जो है तो चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। जब हमारा संविधान बना, मैं आपको बता रहा हूं कि राज्यसभा में 1953 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है बयान दे रहे थे, उनका भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि संविधान को जला दूंगा। लोगों ने पूछा कि संविधान तो आपकी देखरेख में बना, आप जलाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देश को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों को बलिदान दे दिया है उनके जो सपने थे देश के लिए वो इससे साकार नहीं होंगे, इससे किसी देश किसी भारतीय का कल्याण नहीं होगा। बोले ये तो सिर्फ ये था कि अंग्रेजों का इतना दबाव था तो ये चलो उनके उनकी मान लें। अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों ने 1935 में एक बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए, तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारा संविधान होगा। तो उस समय की स्थिति यह थी कि अंग्रेजों का दबाव था कि यह था किसी तरह से पिंड छोड़े जाए और यहां शुरू हो। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था, वो संविधान से वो संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने जानबूझ के राम दरबार को रखा था कि अगर कभी संविधान बने आगे चल करके तो फिर भारतीय संस्कृति के अनुरूप राम राज के तर्ज पर बने। तो इसलिए संविधान नया बनना चाहिए, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबके लिए, इसीलिए उनका राज्यसभा में यह भाषण कोई भी सुन सकता है, नेट से निकाल सकता है। तो मेरा मानना यह है कि अब समय आ गया है कि हिंदू राष्ट्र बने, और ये जो आए दिन लगातार जो है तो कन्वर्जन है, धर्मांतरण है, जिहाद है, देश विरोधी नारा है, ये सब बंद हो। जितने भी कन्वर्जन हो रहा है ये सारे के कैसे इसको रोका जा सकता है देश में? देखिए सबका एक ही इलाज है, हिंदू राष्ट्र। जब भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बन जाए, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो आने वाला जो समय होगा हिंदू ना तो कोई आंदोलन कर पाएगा, क्योंकि राम मंदिर के लिए लोगों ने आंदोलन किया तो गोलियां चली, कितने लोग मार गए, आज तक कितने घर ऐसे हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि शायद कभी आ जाए। हाँ, और वो आए कैसे, उनको तो मार करके, कुछ लोगों को पैर में गोली लगी थी, वो कह रहे थे हम जिंदा हैं, उनको जबरदस्ती जमीन के अंदर गाड़वा दिया गया। तो अभी मोदी है तो मुमकिन है, अभी जिस तरह से आर्टिकल 370-35 को लोग कहते थे कि ये इम्पॉसिबल है लेकिन मोदी जी ने पॉसिबल बनाया, उसी तरह से अगर हिंदू जागरूक हो गया, देखिए सरकार तो तैयार है, अगर 100 करोड़ हिंदू सड़क पर उतरेगा, एकजुट होगा, एक मंच पर आएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अगर हिंदू ऐसा नहीं करेगा तो वही स्थिति होगी कि हर बाप के सामने बेटी का बलात्कार होगा, हर भाई के सामने उसकी बहन का बलात्कार होगा, हर बेटे के सामने उसकी माँ का बलात्कार होगा, और जिस तरह से उसमें हुआ कश्मीर में कि बेटे का मांस जो है पका करके और माँ को खिला दिया गया, जबरदस्ती उसका करेजा निकाल करके उसके मुंह में ठूस दिया गया, वो स्थिति पूरे देश में आने वाली है। चूंकि हम साधु संत हैं, हम ऋषि हैं, हम आगे आगे का भविष्य देख रहे हैं। राम मंदिर का हमने आंदोलन तब किया जब ठंडे वास्ते में चला गया था, जब लोग कोई रिस्क नहीं लेते थे, उस समय हमने किया, और आज राम मंदिर बन रहा है, तो हमने आज जो भी किया पूरा हुआ है। अब ये आंदोलन जो है ना, ये सरकार तैयार है हमारी बात को लेके, अब जनता की ये बारी है कि जनता हमारे सपोर्ट में, 100 करोड़ हिंदू हैं लेकिन वो सिर्फ सपोर्ट में, कहते बहुत अच्छा हो रहा है, गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन निकलना नहीं चाहते हैं। और जब तक निकलेंगे नहीं, निकलिए, एकजुट होइए, आइए, और तब सरकार को लगे कि हाँ 100 करोड़ हिंदू मांग रहा है, तो फिर जो है तब हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, नहीं संभव नहीं है। आपण सुनुले किभल भाबे जगतगुरु महाराज कहुतले जे भारत हिंदू राष्ट्र हबा निहाती आवश्यक। अजय दारू कैमरा पर्सन आदित्य मनोज महांती अर्गस न्यूज।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।